हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार से दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर से वैकेंसीज से रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे इसकी वैकेंसीज को डिटेल में। तो अगर आपने चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप यूट्यूब पर मेरे चैनल देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब पर सर्च करना है दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर। जैसे आप जो इसको सर्च करेंगे तो आपको इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो ये मेरे चैनल का इंटरफेस आपको इस टाइप का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जॉब से रिलेटेड वैकेंसी, चाहे वो आपका फेलोशिप से रिलेटेड हो, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड हो, चाहे आपका वो प्रोजेक्ट रिक्रूटमेंट हो या आपका साइंटिफिक रिक्रूटमेंट हो, तो इस टाइप के मैं सारी वीडियोज़ को यहाँ पर डालता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप कोई भी लाइक इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो का सीएसआई नेट जेआरएफ हो, चाहे वो आईसीएमआर जेआरएफ हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो नीट हो, या अगर आप बीएससी एमएससी एंट्रेंस का भी अगर आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट है वो मैं यहाँ पे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो ये भी आप जो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट और साथ ही साथ जो जॉब से रिलेटेड कंटेंट है वो मैं रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो आप इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप जो है इस टाइप के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए हम आ जाते हैं अपने नोटिफिकेशन पे। तो देखिए, ये जो नोटिफिकेशन आया है ये जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से आया है, जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है, जो कि नैक ए कैडेट ए कैटेगरी की यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, तो ये सारी जो पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। तो यहाँ पे आपका देखिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए बॉटनी में, मास्टर डिग्री विद 55% मार्क्स आपका रिलेटेड सब्जेक्ट में होना चाहिए। इसके अलावा आपका जो है नेट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने 2009 से पहले अगर आपने जो है अपना पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराया, तो आपका पीएचडी डिग्री रेगुलर मोड में होना चाहिए। आपके पीएचडी थीसिस को एटलीस्ट दो एग्जामिनर ने जो है इवेलुएट किया होना चाहिए। आपका ओपन पीएचडी वॉय वॉइस हुआ होना चाहिए और आपके मिनिमम टू रिसर्च पेपर होने चाहिए आपके लाइक थीसिस से, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने तो पीएचडी जो है किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से किया है, तो आपका जो यूनिवर्सिटी वो टॉप 500 रैंकिंग में आना चाहिए। और अगर मैं बात करें रैंकिंग की, तो रैंकिंग QS द और ARWU, ठीक है। तो ये रैंकिंग जो है इसमें अगर आपका यूनिवर्सिटी टॉप 500 में आता है, तो आप डायरेक्टली जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की। तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन अगर आपका मिनिमम 3 इयर्स ऑफ पोस्ट डॉक्टोरल टीचिंग या रिसर्च एक्सपीरियंस इन नेशनल और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रेप्यूट, ठीक है। जो अगर आपका 3 इयर्स का आपका पीडीएफ लाइक एक्सपीरियंस है या आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो आप जो है यहाँ पे प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। कैंडिडेट विद अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड ऑल एस्पेक्ट ऑफ बॉटनी ऑफ लोअर एंड हायर प्लांट इन द फॉलोइंग फील्ड। तो देखिए यहाँ पे पोस्ट वन जो स्ट्रक्चर बॉटनी की है, एम्ब्रियोलॉजी, क्रिप्टोग्राम, फेनेरोगैम्स, पोस्ट टू प्लांट टेक्सोनॉमी एंड बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज, रिसर्च पब्लिकेशन द स्पेसिफिक एरिया अगर आपका है, तो आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन लाइक प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए यहाँ पे जो है आपको करना क्या है कि आपको अपना एप्लीकेशन जो है उसको फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद आपके जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हैं वो सारा आपको अटैच करना है, चाहे वो आपका नेट का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपके जितने पब्लिकेशंस हो, वो सारा आपको अटैच करके जो है वो सेंड कर देना है ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एस्टैब्लिश सेक्शन जामिया हमदर्द अहमदनगर न्यू दिल्ली 11062 ऑन बिफोर एंड 20 सितंबर लास्ट डेट है, ठीक है। तो आपको 20 सितंबर से पहले आपको अपना जो भी CV और जो आपकी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो सारा आपको सेंड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपका मिनिमम जो है यहाँ पे एप्लीकेशन फी भी है आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पे आपको 500 रुपीज़ का जो एप्लीकेशन फी है वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू जो है आपको यहाँ पे अपने एप्लीकेशन के साथ सेंड करना है। अगर आप ये जो 500 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट आप सेंड करेंगे, तभी आपका जो एप्लीकेशन वो वैलिड रहेगा, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना क्या किसके फेवर में है, तो यहाँ पे लिखा है जामिया हमदर्द पेएबल एट न्यू दिल्ली, तो इस फेवर में आपको जो है 500 रुपीज़ का जो डिमांड ड्राफ्ट वो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इन्होंने जो है एप्लीकेशन फॉर्म निकाल के रखा हुआ है, तो आपके एप्लीकेशन फॉर्म को जो है यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो पोजीशन अप्लाइड फॉर, नेम द कैंडिडेट, फादर हस्बैंड, सारा यहाँ पे इन्होंने डिटेल यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी, डिग्री, सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, डिवीजन, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ईयर, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, ये सारा आपको करना है। साथ ही साथ प्लीज अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको अपनी डिग्री जो भी आप यहाँ पे लाइक लिख रहे हैं उन सबका आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, यानी कि आपको लाइक उसका जीरोक्स लेना है अपने सर्टिफिकेट का, और इस पर आपको अपना सिग्नेचर करना है, ठीक है। सिग्नेचर करने के बाद आपका वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको डिटेल्ड ऑफ एप्लीकेशन फी ऑफ रुपीज, तो यहाँ पे आपको 500 रुपीज जो भी आप डीडी बनवाएंगे
डीडी का नंबर और डेट आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंडेटरी, अगर आप जो 500 रुपीज़ का जो है डीडी बनाएंगे और उसे भी आपको यहाँ पे सेंड करना है, अगर आप सेंड करेंगे तभी आपका जो लाइक एप्लीकेशन है वो आपको अप्रूव किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। आप देखिए यहाँ पे वेदर क्वालिफाइड नेट और स्लेट, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि अगर आपने कोई भी नेट क्वालिफाई किया है चाहे रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इससे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और यहाँ पे जो मैंडेटरी है कि अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड भी आपको फिलअप करना है इन क्रोनोलॉजिकल और जो स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रेजेंट जॉब, ठीक है। तो आपको जो भी, अगर आपने मान लो कहीं रिसर्च एक्सपीरियंस है आपको, या आपने कहीं टीचिंग किया है, तो वो सारा पोस्ट या वो सारा जो डिटेल आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो इस आपको अगर आपने कहीं भी टीचिंग किया है 3 ईयर का, या आपने रिसर्च किया है 3 ईयर का, तो ये वो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा, प्रेफरेंस आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे आपको सर्वे टेस्ट की कॉपी भी लगाना उस पर, ताकि जो कि प्रूफ है आपका टीचिंग के पास आ गया, अगर आपके पास प्रूफ है या आपके पास जो है रिसर्च का प्रूफ है, तो वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा सर्वे टेस्ट कॉपीज, ठीक है। अब देखिए पब्लिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि मोस्टली जो है अब सिलेक्शन इसके बेस पे हो जाएगा, ठीक है। आपके पास बुक्स हैं, बुक चैप्टर आपने लिखे हैं, या रिसर्च पेपर आपने लिखे हैं, या आपके पास कोई भी आर्टिकल्स हैं, तो आपको यहाँ पे पब्लिश नंबर या एक्सेप्टेड फॉर पब्लिकेशन, वो सारा यहाँ पे आपको डिटेल देना पड़ेगा। पेटेंट से तो आपको और ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। अवार्ड या फेलोशिप अगर आपके पास है तो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनवाइटेड लेक्चर, पेपर प्रेजेंटेशन अगर आपने दिए हैं, तो वो भी उसका भी आप सेपरेट शीट यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल एपीआई स्कोर इफ एप्लीकेबल एज पर यूजीसी रेगुलेटरी बॉडी, तो यहाँ पे देखिए एपीआई स्कोर पे के बेस पे ही आपका यहाँ पे सर मेरिट बनेगी, और मेरिट उसी एपीआई स्कोर के बेस पे बनेगी, और उसी अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये डिक्लेरेशन दे रखा है, और यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन पीएम द कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द पेलो मेंशन पोस्ट रिस्पॉन्सिबल एडवर्टाइजमेंट डेट, तो यहाँ पे देखिए और तो इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं। ये देखिए आपका जो भी यहाँ पे मेरिट बनेगी वो आपका एपीआई इंडेक्स के बेस पे बनेगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपको सारी डिटेल जो है आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी, ठीक है। तो सारी डिटेल आपको यहाँ फिलअप करनी पड़ेगी, और आपका एपीआई इंडेक्स बनाया जाएगा। मेन चीज़ क्या है कि आपका मोस्टली जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ पे आपको जो है एपीआई इंडेक्स के बेस पे सिलेक्शन होता है। कहीं की कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटियाँ होती है जहाँ पे आपको पहले रिटर्न एग्जाम लेते हैं, उसके बाद इंटरव्यू लेते हैं, और रिटर्न एग्जाम और इंटरव्यू की बेस पे जो मेरिट प्रिपेयर की जाती है, उसके बेस पे जो है आपका सिलेक्शन होता है। तो डिपेंड करता है, मोस्टली जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे मोस्टली जो सिलेक्शन होता है वो एपीआई इंडेक्स के बेस पे होता है। मतलब कि आगे पूरे जो भी आपके 12th, ये तो आपके यूजी से रिलेटेड जो भी आपके मार्क्स हैं, या आपका पीजी में कितने मार्क्स हैं, आपके पास नेट है कि नहीं, आपके जेआरएफ है कि नहीं, आपके पास कोई स्कॉलरशिप है या फेलोशिप है, या आपके पास जो पब्लिकेशन है वो रिसर्च आर्टिकल कितने, बुक चैप्टर कितने, तो इन सब के बेस पे जो है एपीआई इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है। और उसके बाद अगर आपका मेरिट में नाम आता है, यानी कि एक पार्टिकुलर क्राइटेरिया सेलेक्ट कर दिया जाएगा कि सपोज 80 आउट ऑफ 100 अगर 80 मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो 80 मार्क्स को उन्होंने कट ऑफ कर देंगे, और 80 मार्क्स में जितने लोग भी आ रहे होंगे तो उनको जो क्या करेंगे वो आपको वो जो है उनका जो है वो सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से एपीआई इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है, और उसके बेस पे ही जो यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।